तो कैसे हो डियर स्टूडेंट्स होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो भी चैप्टर नंबर हमारा थर्टी है वाई डू वी फॉल इल क्लास नाइन का जो भी चैप्टर है इसके हम एम करने वाले हैं बहुत स्कूलों में इस चैप्टर को जो भी हत्या स्किप कर दिया जाता है बट मैं आपको इसकी एम को करा रहा हूँ तो होप आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे मैं एम को ना ही सॉल्व करूंगा उसे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन वन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज़ तो आपको वायरल डिजीज का इसमें से कौन है नहीं है यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे ये मार्क करना चाहिए ये निगेटिव क्वेश्चन है जैसे नहीं है तो बहुत बच्चे होते हैं जैसे वायरल डिजीज को देखेंगे वो ठीक मार देंगे बट आपको बताना है कौन सा वायरल डिजीज नहीं है तो डेंगू एड्स टाइफाइड एंड इन्फ्लुएंजा तो क्वेश्चन नंबर जो भी वन है उसका टाइफाइड जो है ये वायरल डिजीज नहीं है एंड जो भी डेंगू है एड्स है एंड इन्फ्लुएंजा है ये फैलता है तो ये वायरल डिजीज में आ जाती है तो क्वेश्चन नंबर टू हो गया हमारा विच वन ऑफ द फ्लो इज नॉट अ वैक्टीरियल डिजीज़ इसमें कौन सा वैक्टीरियल डिजीज नहीं है या फिर कौन सा डिजीज ऐसा है जो वैक्टीरियाज के कारण नहीं होता है तो वैक्टीरियल डिजीज़ का डिफिनेशन ही होता है जो डिजीज कॉज बाई वैक्टीरिया तो कोले, कोलेला ट्यूबर क्रोसिस अंथे एंड इन्फ्लुएंजा तो क्वेश्चन नंबर जो भी टू है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इन्फ्लुएंजा ये हमारा सही आंसर हो जाता है मतलब ये वैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है तो ना क्वेश्चन नंबर थ्री होप आप इस सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे होंगे एंड अगर आपने नहीं देखा हमारा वीडियोस तो चैप्टर वन से लेकर जो भी चैप्टर नंबर फिफ्टीन है हमने क्लास नाइन्थ साइंस का जो भी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डाल दिया है एंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो भी लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगी लिंक्स तो वहाँ पर आप जाके चैप्टर बाई चैप्टर जो भी वीडियोज़ है उसे देख सकते हैं तो वन क्लिक पर आपको वो वीडियो वहाँ से मिल जाएगी तो हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं विच वन ऑफ द फलोइंग डिजीज़ इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्कीटो तो मॉस्कीटो से कौन सा डिजीज ट्रांसमिट नहीं किया जाता ब्रेन फीवर मलेरिया टाइफाइड एंड डेंगू तो क्वेश्चन नंबर थ्री का यहाँ साफ साफ दिख रहा है जो भी ऑप्शन नंबर जो भी सी है टाइफाइड तो टाइफाइड आई थिंक ये मॉस्किटो से मैं इस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रेन फीवर पर लगाना चाहूंगा बट आई थिंक यहाँ पर आंसर जो भी दिया हुआ है वो टाइफाइड पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ब्रेन फीवर पे लगाना चाहेंगे बट आप अगर आपको पता है उसके बारे में तो आप कमेंट में आके इसको क्लियर कर जरूर दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं कोई स्टूडेंट तो ताकि और भी स्टूडेंट को ये हेल्प हो जाएगी तो हम उस क्वेश्चन को स्किप करके क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज़ इज नॉट कॉज बाई बैक्टीरिया तो इसमें कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज नहीं होते हैं टाइफाइड एंथेरेट ट्यूबर क्रोसिस एंड मलेरिया तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मलेरिया जो होता है विच इज़ नॉट कॉज बाई बैक्टीरियाज क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कॉज बाई प्रोटो जुआंस तो मलेरिया इन्फ्लुएंजा एड्स एंड कॉलेरा तो इसमें से कौन सा प्रोटोजुअ के कारण होता है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ए होता है मलेरिया तो ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ द हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल को भी इंडिविजुअल के हेल्थ पे कौन सा ऐसा है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स चिविंग टोबैको एंड स्ट्रेस तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो गया चुविंग टोबैको जो भी है हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अच्छी डालता है जो भी स्ट्रेस है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है शॉर्ट टर्म के बाद कोई भी हेल्थ वो ठीक हो सकता है चिइिंग चिकन पॉक्स भी शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है कुछ दिन के लिए होता है बट कॉमन कोल्ड भी कुछ दिन के लिए होता है ऐसा तो ये कोई किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है वो एक एक साल तक हो गया ऐसा नहीं होता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच आर द फ्लोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन था हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिक अब स्नीजिंग एंड ब्लड कैंसर तो क्वेश्चन नंबर जो भी सेवन है इसका हो जाता है स्नीजिंग अगर कोई इंसान छींक रहा है अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको भी वो होने के चांसेस है बट ब्लड प्रेशर या किसी कोई ये बेतुकी बातें हैं ब्लड प्रेशर कॉन्टैक्ट में आने से कोई किसी को नहीं होता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे ओल्डर uh, सिटीजन है सीनियर सिटीजन जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है बट उनके कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर एट एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हग्स ब्रिस्ट फीडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो कोई भी अगर किसी को अगर एड्स है तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से तो एड्स uh, जो भी एड्स होता है वो फैलता है हग से नहीं फैलता है तो क्वेश्चन नंबर जो भी एड है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग अगर सपोज किसी मदर को अगर uh, जो भी एड्स है वो है अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे भी uh, होने का चांस है एंड ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कोई सपोज इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो ब्लड भी डोनेट करता है तो वो चांसेस है इसलिए ब्लड जो भी डोनेट करने से पहले वो चेक किया जाता है उसमें कोई कोई बैक्टीरिया या कुछ इट्स वायरस है कि नहीं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज तो वायरस मेक यूज ऑफ होस्ट मशीनरी तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पे ऑप्शन हमारा दिख रहा है वेरियस वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरस ए वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म तो मैकेज़ ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया वायरस है प्रोट, प्रोटीन कोट ये गलत है तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हमारा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उसकी जो भी मेडिसिन है वो बनाना बहुत आसान होता है जस्ट बिकॉज उसकी जो मैकेनिज्म होती है सेल की वो समझ में आती है बट जो वायरस होते हैं इनके पास कुछ होता ही नहीं है इसके मतलब बहुत कम चीज़ें होती हैं एंड अगर ये किसी बॉडी पे अगर जाते हैं तो वो उन्हीं उसी बॉडी के सेल और को यूज करके ये अपना काम चलाते हैं एंड अगर वो वहाँ से फिर निकल जाए तो इनके पास कुछ अपना होता नहीं है तो इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इसी कारण से इस पर दवाइयाँ बहुत जल्दी नहीं बन पाती है जैसे कि आपने देखा कोरोना जब आई हुई थी तो इस पर दवाई बहुत लेट से आई हुई अगर वो उसके जगह पर कोई और बीमारी होती वायरस को छोड़ के तो उसकी दवा अब तक मार्केट में अवेलेबल होती विज वन ऑफ द फ्लोइंग कर्ज काला अजर तो काला अजह इसमें से कौन सा कज करता है एक्सैरिज ट्राइपेनोजमा जो भी है लीस समानिया बैक्टीरिया आप मुझे जानते हैं मैं बायोलॉजी के टर्म को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ डोंट फील बैड फॉर डैट तो क्वेश्चन नंबर जो भी टेन है उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा एज अ रिजल्ट जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आई फ्यू लिव इन अ ओवर क्राउडेड एंड पोअरली वेंटिलेटेड हाउट इट इज़ पॉसिबल डैट यू में सफ़र फ्राम विच ऑफ द डिजीज कैंसर एड्स एयरबोन डिजीज ओ नो यहाँ पे एड्स दिया हुआ है ऐसा नहीं है कि आप कोई बैडली कंडीशन में रहते हैं या पुअर वेंटिलेटेड हाउस में रहते हैं तो आपको एड्स हो जाएगा तो क्वेश्चन इलेवन के यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है एयरबॉर्न डिजीजेज जो भी एयरबॉर्न डिजीजेज होते हैं जैसे अस्थमा इस टाइप की कोई डिजीजे आपको हो सकती है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्क्यटो डेंगू मलेरिया ब्रेन फीवर और इथिति एंड निमोनिया तो क्वेश्चन नंबर जो भी ट्वेल्व है इसका निमोनिया आई थिंक यहाँ पर जब यहाँ पे ब्रेन फीवर दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन में ब्रेन फीवर भी सही था जिसका मतलब जो भी हमने आंसर बताया वो सही था so which is not transmitted by mosquito, तो विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्क्यूटो तो निमोनिया जो है वो मॉस्क्यटो ट्रांस जो भी ट्रांसमिट नहीं करता है निमोनिया होता है गंदगी पानी पीने से आई थिंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ था एक टाइम मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी हुई थी तो ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन हम देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ तो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए कौन सा सही होता है सही नहीं होता है लिविंग इन अ क्लीन स्पेस ये कैसे सही नहीं होगा गुड इकोनॉमिक कंडीशन सोशल इक्वलिटी एंड हारमोनी लिविंग अ लार्ज एंड अ वेल पर्निस्ड हाउ तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इसका विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ तो हेल्थ से आपका लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस से आपका जो भी इंडिविजुअल का हेल्थ पे तो कोई ऐसा नहीं पड़ता अगर आप ऐसा नहीं है कि छोटे घर में रहे तो आप हेल्थी नहीं होंगे आप वहाँ भी सही रह सकते हैं लिविंग इन अ क्लीन स्पेस तो क्लीन स्पेस पर रहते हैं तो आपको हेल्दी होना ही है गुड इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही होता है तो खाना आपको अच्छे से मिलेगा बैलेंस डाइट मिलेगा तो आप इंडिविजुअल हेल्थ हो सकते हैं सोशल इक्विटी एंड हारमोनी सपोज कोई व्यक्ति अगर कोई उसके जो भी पड़ोसी हैं हमेशा झगड़ा करते रहते हैं या जो भी है तो उसके हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है भले हमें वो जो ना दिखे बट मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस से आता है बीपी एंड बीपी पी तो बहुत सारी बीमारियों का जो भी रीजन होती है तो इसलिए जो भी कंडीशन है हमारे किस कंडीशन में हम रहते हैं उसका भी हेल्थ पे असर पड़ता है तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट तो इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है इसको पहले आप मार्क कर लेंगे हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज बाई एक्सेसिव वेट एंड अ लैक ऑफ एक्सरसाइज तो यहाँ पे ये में भी आ, सही है कैंसर कैन बी कॉज बाई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ ये भी सही हो सकता है पेप्टिक अल्सर आर कॉज बाई ईटिंग एसिडिक फूड ये हमारा ऑप्शन नंबर जो भी सी है सॉरी ऑप्शन नंबर जो भी सी है यह हमारा सही है तो यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन यह हमारे क्वेश्चन के लिए सही है बिकॉज हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था एक्नी इज नॉट कॉज बाई तो बोले ये भी सही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग बिकॉज दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड कॉज पॉल्यूशन आर वैक्टर आर वैक्टर्स फॉर मेनी डिजीजेज बाइट एंड कॉज स्किन डिजीजेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट ऐसा कोई नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट नहीं है तो हम इसे घर के पास पास नहीं रखना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर जो भी फिफ्टीन है उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है आर वैक्टर्स ऑफ मेनी डिजीजेज वो कोई कॉज पॉल्यूशन नहीं है एंड स्किन डिजीज तो आई थिंक मस्कीटोज होता होगा बट ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है क्योंकि तो बहुत सारे जो भी ब्रेन फीवर था वो हमने क्वेश्चन जो भी ऊपर देखा था वो हमारा हो जाता है रीज़न तो क्वेश्चन सिक्सटीन हो गया वी आर अवेयर ऑफ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इन आवर सिटी चिल्ड्रेन आर वैक्सीनेटेड बिकॉज पोलियो से हमें जो भी चिल्ड्रेन होता है किस लिए वैक्सीनेट किया जाते हैं वैक्सीनेशन किल द पोलियो कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट द इंट्री ऑफ द पोलियो कजिंग ऑर्गेनिज्म इट क्रिएट इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी तो यहाँ पे कोई भी वायरस का अगर दिया जाता है इंजेक्शन तो वो ना कि उस वायरस को ख़त्म करता है एंड ना कि उसको आने से रोकता है जस्ट हमारे बॉडी को जो इम्यूनिटी होती है हमारे बॉडी के पास खुद की एक डिजीज़ से जो भी फाइट करने की जो क्षमता होती है उसे वो इम्प्रूव कर देता है अगर हमारी बॉडी खुद इम्प्रूव हो जाती है जो भी डिजीज से फाइट करने की तो हमें बाहर की कोई चीज़ों की जरूरत है ही नहीं बिकॉज हुएन बॉडी इज़ अ ग्रेट मशीन तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वायरस विच कज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर वाटर फूड पर्सनल कांटेक्ट तो हेपेटाइटिस का जो भी वायरस आपको पता अगर आपको पता ना हो तो आपको बचपन में भी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की जो भी सुइया होगी वो लगी होगी अगर आपको पता है इस बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे तो यार बहुत डर लगता था उस टाइम फिर भी मुझे ये सुई दी दिया गया था ज़बरदस्ती तो ये तो मुझे हमेशा से याद रहा तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का जो भी आंसर है वो वाटर होता है तो ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन वैक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज एनिमल कैरिंग दें फेंटिंग इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम सीख पर्सन टू अनदर हेल्दी पसन माइक्रो ऑर्गेनिजम विच कॉज मेनी डिजीजेज इन्फेक्टेड पर्सन एंड डिजीजेज प्लांट जो भी वैक्टर्स है उसको तो हम किसी हम वैक्टर बोलते हैं तो क्वेश्चन में एटिंग का हो जाता है ए एनिमल कैरी जो भी हमारा मॉस्क्यटो था ये आपने देख लेना यह सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म होगा तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने चैनल पर जाकर वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एक बार एंड वहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप और भी चैप्टर्स की वीडियोज वहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हमने चैप्टर वन से लेकर फिफ्टीन तक क्लास नाइन साइंस की जो भी वीडियो है वहाँ पे अवेलेबल है एंड अगर आपको वहाँ जाना अब आप, आप आलसी हैं वहाँ जाना भी आपको बड़ी काम लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वहाँ पर सारे चैप्टर के लिंक आपको वहाँ पर दे दिए गए हैं बस आप एक क्लिक पर आप जो भी वीडियोज हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में तब तक के लिए खुलते रहिए एंड पढ़ते रहिए एंड मस्ती करते रहिए तो टिल देन टेक केयर एंड बाय